अब इनिशियली डेज में अभिनेता अजय देवगन के पिता वीरू देवगन बॉलीवुड इंडस्ट्री के मजे हुए एक्शन डायरेक्टर्स में से एक थे और उन्होंने अपने करियर के दौरान बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सारे ऐसे एक्शन सीक्वेंस को बड़े पर्दे पर पेश किया है जो उस दौरान काफी पसंद किए गए। और जब बात उनके बेटे के डेब्यू की आई तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि साल 1991 में आई फिल्म फूल और कांटे अजय देवगन की पहली डेब्यू फिल्म थी। पिता वीरू देवगन अपने बेटे के करियर को लेकर काफी ज्यादा सजग थे, तभी तो उन्होंने फूल और कांटे जैसी बड़ी फिल्म के साथ अपने बेटे को लॉन्च किया, जिस फिल्म में भरपूर एक्शन सीन भी देखने को मिला और लव का भी तड़का हमें देखने को मिला, जिसका नतीजा ये हुआ कि यह फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। अब पहली फिल्म के सुपर डुपर हिट होने के बाद वीरू देवगन चाहते थे कि उनका बेटा एक और बड़ी फिल्म का हिस्सा बने, लेकिन इस फिल्म में कुछ और चेंजेस देखना चाहते थे। दरअसल 90s के दौर में प्यार मोहब्बत वाली फिल्में तो बनती थी, लेकिन पिता वीरू देवगन अपने बेटे अजय देवगन को लेकर एक ऐसी फिल्म का निर्माण करना चाहते थे जो उस दौरान कभी भी नहीं बनती थी, और ये फिल्म थी जिगर। साल 1992 में आई फिल्म जिगर तो आपको याद ही होगी, और जिगर फिल्म में अभिनेता अजय देवगन जिस हिसाब से बदल लेते हैं वो भी काफी ज्यादा पसंद किया गया। फिल्म के गाने से लेकर फिल्म की कहानी को उस दौरान काफी पसंद किया गया था, और इसी फिल्म से जुड़ा एक ऐसा भी कलाकार रहा है जिसने उस दौरान काफी लाइमलाइट बटोरी थी। हम बात करें बॉलीवुड के पहले ब्रूस ली कहलाए जाने वाले हुसैन खान की, जिन्होंने फिल्म जिगर में अपनी मशहूर अदायगी से महफिल लूट ली थी, और फिल्म में उनका किरदार भी जमकर पसंद किया गया था। दरअसल हुसैन खान का फिल्म में बहुत छोटा किरदार था, लेकिन जिगर फिल्म से उन्हें काफी ज्यादा प्रसिद्धि भी मिली। फिल्म में उन्होंने बाबा ठाकुर के बेटे का किरदार निभाया था जो मार्शल आर्ट में महारत हासिल किए हुए होता है। अजय देवगन को फिल्म में वो मार्शल आर्ट सिखाते हुए नजर आते हैं, और फिल्म में उनके किरदार की उस दौरान बहुत ज्यादा चर्चाएं की गई, क्योंकि 90s के दौर में मार्शल आर्ट किसी भी फिल्म में हमें नहीं देखने को मिलता था, और हुसैन खान ने अपनी अदायगी को जिस हिसाब से बड़े पर्दे पर जिगर फिल्म से पेश किया था वो वाकई लाजवाब था। हुसैन खान भी काफी ज्यादा फेमस हो गए थे और उन्होंने आने वाले समय में कई सारी बड़ी फिल्मों में काम भी किया। दरअसल हुसैन खान की जिगर पहली डेब्यू फिल्म नहीं थी, कई लोगों का मानना है कि ये जानी दुश्मन भी नजर आए थे। साथ ही खूनी महल, जुर्रत, नर्तकी, मरबॉन्ड, जिगर पांडव और जान जैसी फिल्मों में भी इन्होंने अपने बेहतरीन अदायगी का नमूना पेश किया, लेकिन सभी फिल्मों में हुसैन खान के बहुत ही छोटे किरदार थे। अब हुसैन खान 90s के दौर में इसलिए फेमस थे क्योंकि वो अपनी सिक्स पैक ऐप से हर दर्शक को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे थे। ये मार्शल आर्ट में भी काफी एक्सपर्ट थे, लेकिन आखिर कैसे इतना शानदार कलाकार बॉलीवुड से गायब हो गया, और आखिर कैसे इस कलाकार ने खुद को बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से एकदम से ही अलग कर लिया, आइए चलिए जानने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया कि इनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म थी अजय देवगन वाली फिल्म जिगर, जो मार्शल आर्ट पर बेस्ड फिल्म थी। ये फिल्म सन 1992 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अजय देवगन, करिश्मा कपूर और महाभारत में अर्जुन का किरदार निभाने वाले फिरोज खान जैसे दिग्गज कलाकारों ने काम किया था, लेकिन सही मायनों में अगर किसी कलाकार को दर्शकों ने सबसे ज्यादा पसंद किया था तो वो थे हुसैन खान। अपने छोटे से रोल में इन्होंने अपने हुनर से दर्शकों का दिल जीत लिया था, और उस दौरान इन्होंने जिगर फिल्म से जो अपनी अमिट छाप छोड़ी थी वो छाप आज भी बरकरार है। हालांकि जिगर से पहले भी हुसैन खान कई सारी फिल्मों का हिस्सा बन चुके थे, लेकिन उन फिल्मों में शायद ही किसी ने उन्हें नोटिस किया था। असल में हुसैन खान ईरान के रहने वाले हैं, और ईरान में इनका नाम था खोसरो खलीफना। ईरान में रहकर ही इन्होंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली थी, और जब ये भारत में आए तो कई सारे निर्माता निर्देशकों की नजर इन पर पड़ी, और वो इनके कदकाठी और मार्शल आर्ट की महारत को देखकर इतने ज्यादा इनसे इंप्रेस हो गए कि उन्होंने फिल्मों में छोटे मोटे रोल इन्हें देना शुरू कर दिया, और इनके बॉलीवुड करियर की पहली फिल्म मानी जाती है जानी दुश्मन, जो कि 1989 में रिलीज हुई थी। हालांकि इस फिल्म में हुसैन खान बड़े ही छोटे रोल में नजर आए थे। अब धीरे धीरे ये कई सारी फिल्मों का हिस्सा तो बन रहे थे, लेकिन असल में इन्हें पहचान नहीं मिल रही थी। लेकिन 1992 आई फिल्म जिगर को करने के बाद हुसैन खान के करियर को एक लंबी उड़ान मिली। जिगर फिल्म से पहले फिल्म के मेन विलन गैंग में शामिल एक गुर्गे के तौर पर ही इन्हें देखा जाता था, और ये अक्सर फिल्म के मेन हीरो से ही भिड़ जाया करते थे। खास बात तो ये रही कि जिस सीन में भी हुसैन खान फिल्म के हीरो से लड़ाई करते थे उस सीन में मार्शल आर्ट का टच हमें जरूर देखने को मिलता था, और यही बड़ी वजह थी कि हुसैन खान ने बहुत ही कम समय में एक अलग ही लाइमलाइट बटोर ली थी। शुरू से हुसैन खान ब्रूस ली के बड़े फैन हुआ करते थे, और यही बड़ी वजह है कि इनकी बॉडी की शेप भी काफी हद तक ब्रूस ली की ही बॉडी जैसी मिलती थी। ये बॉलीवुड में स्टंट मैन के तौर पर भी काम किया करते थे। अब जिगर फिल्म इनके पास आई तो जिगर फिल्म में इनका जो किरदार था वो बाबा ठाकुर के बेटे यानी अजीत खान के बेटे का था। फिल्म की शुरुआत में हुसैन खान के कई शानदार एक्शन सीक्वेंस रखे गए थे। हालांकि फिल्म में एक फाइटिंग मैच के दौरान हुसैन खान की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और वो व्हील चेयर पर बैठने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस फिल्म में वीरू देवगन और अजय देवगन को हुसैन खान का काफी काम पसंद आया था, और यही बड़ी वजह थी कि अजय देवगन की आने वाली कई सारी फिल्मों में भी इन्हें कास्ट किया गया।
जिगर फिल्म के हिट हो जाने के बाद ये आने वाले समय में जान फिल्म में भी नजर आए और इस फिल्म में भी इन्होंने छोटा सा किरदार निभाया था और अजय देवगन की और भी कई सारी फिल्मों में इन्होंने छोटे छोटे किरदार निभाए। हालांकि समय के साथ हुसैन खान को लोगों ने नोटिस करना बंद कर दिया और यही बड़ी वजह थी कि उन्होंने अपना कदर ना होते देख बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से किनारा करना ही बेहतर समझा और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद इन्होंने कनाडा जाने का बड़ा फैसला लिया। हालांकि बॉलीवुड में आखिरी बार ये 1998 में रिलीज हुई फिल्म कीमत में नजर आए थे जिसमें ये अक्षय कुमार और सैफ अली खान के साथ एक फाइट सीन में दिखे थे और ये इनकी आखिरी बॉलीवुड फिल्म थी। कनाडा जाकर इन्होंने कनाडा की ही राजधानी टोरंटो में काम करना शुरू कर दिया जहां पर इन्होंने एक मार्शल आर्ट स्कूल खोला। यहां इन्होंने कई सारे स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी दी। इनके कई स्टूडेंट ने मार्शल आर्ट के फील्ड में बढ़िया प्रदर्शन भी किया है। कई लोगों का मानना है कि हुसैन खान के दो बेटे हैं तो कई लोगों का ये भी कहना है कि हुसैन खान ने अपने जीवन काल में कभी शादी ही नहीं की। अब जैसा मर्जी हो लेकिन हुसैन खान ने 90s के दौर में मार्शल आर्ट का जो तड़का बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में लगाया था वो वाकई लाजवाब था और जिगर फिल्म में इनके किरदार की उस दौरान काफी ज्यादा चर्चाएं की गई थी। आज भले ये बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में नहीं दिखाई देते हों लेकिन जिगर फिल्म में इनका किरदार जो था वो उस दौरान बहुत ज्यादा पसंद किया गया था।